Good morning everyone. This is class first English और आज हम जो 9th chapter है Nancy has a yellow kite उसका next part पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली बार यहाँ तक हमने पढ़ा था, अभी जो last part है वो complete कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से let's use grammar, चलो ग्रामर का यूज करते हैं, ठीक है। ए, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, पिक्चर्स को देखो और सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। राजू हैज एन एरोप्लेन, राजू के पास एक एरोप्लेन है। राजू लड़का है, हैज यानी इसका मतलब क्या होता है, किसी के पास कुछ ऐसी चीज हो उसमें हैव हैज लगता है। अगर आदमी का नाम है तो हैज लगता है, आदमी और औरत का नाम हो ना, गर्ल एंड बॉय का, तो हैज लगता है, ठीक है। उसके पास एरोप्लेन है। जिमी हैज अ काइट, जिमी के पास काइट है। सीमा हैज अ डॉल, सीमा के पास डॉल है। आरिफ हैज अ कार, आरिफ के पास कार है। ही हैज अ बाइसिकल टू, उसके पास बाइसिकल भी है। ये टू यानी भी, यानी वो भी है, एक कार तो है बाइसिकल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज है, देखो हैज कहाँ होता है कि शी और ही के साथ एंड मेल एंड फीमेल नेम के साथ। शी होती है यानी फीमेल होती है, लड़की का नाम औरत का नाम होता है, वहाँ शी हैज लगता है। ही यानी लड़के का नाम, मैन का नाम ही होता है, तो वहाँ हैज लगता है, इन दोनों में हैज लगता है, ठीक है। ऐसा हैज का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ इनके पास है। जैसे मैं बोलूँ आई, अगर मैं आई बोलूँगा तो हैव आएगा, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है, ठीक है, तो ये है मेरी है, ओके। यहाँ पे देखो बी यूज हैव इन द ब्लैंक्स एंड रीड द सेंटेंसेस, हैव का यूज करो एंड सेंटेंसेस बनाओ। द चिल्ड्रन हैव टॉयस, चिल्ड्रंस के पास, चिल्ड्रन के पास टॉयस हैं, तो जो बच्चे हैं उनके पास खिलौने हैं। यू हैव अ बिग हाउस, आपके पास एक बड़ा हाउस है, बड़ा घर है। I have a small house, मेरे पास एक छोटा घर है। We have 2 rupees, हमारे पास 2 rupees हैं। They have 10 rupees, उनके पास 10 rupees हैं। तो पता चला, देखो children यानी बहुत सारे जब जमा हों, child यानी एक बच्चा, okay? और बहुत सारे बच्चे यानी children, तो children बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ have लगता है। यू होता है वहाँ हैव लगता है, आई होता है वहाँ हैव लगता है, वी होता है वहाँ हैव लगता है, दे होता है वहाँ भी हैव लगता है। तो इस तरह से ये हैज और हैव हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करो। जिमी हैज ब्लू आइज, जिमी की आंखें ब्लू हैं। आई हैव ब्लैक आइज, मेरी आंखें ब्लैक हैं, काली हैं। Nancy has red hair, Nancy के hair red हैं। I have black hair, मेरे hair black हैं, ठीक है, black हैं, काले हैं। A cat has small ears, एक cat के छोटे से कान होते हैं। A donkey has big ears, donkey के बड़े कान होते हैं। The milkman has a cow, milkman के पास एक cow है, अ यानी एक cow है। The washerman has a donkey, washerman के पास एक donkey है, ठीक है। The milkman has a cow, the washerman has a donkey, तो क्योंकि milkman आदमी होता है तो has है, washerman भी आदमी होता है, has आया, ठीक है। Donkey गधा हो वहाँ भी has आता है, ठीक है। यहाँ देखो let's enrich our word store, हमारा वर्ड स्टोर है यानी हमको जितने वर्ड्स आते हैं हम जानते हैं उनमें थोड़ी बढ़ोतरी करें, ठीक है। ये लायन, L I O N, फिर ये नट, N U T,
फिर ये टी टी ई ए, फिर ये आंट ए एन टी, फिर ये ट्री है टी आर डबल ई, ये एट ई आई जी एच टी एट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इतने इतना समझ लेना। स्पेलिंग पढ़ना ऑलवेज रिमेम्बर, याद रखो जब भी स्पेलिंग कोई अच्छा पढ़ो तो दो तीन बार पढ़ो, स्पेलिंग पक्की कर लो तो वो आपको याद रहेगा। एड द लेटर्स गिवन बिलो एंड मेक न्यू वर्ड्स, जो लेटर्स गिवन बिलो हैं दिए गए हैं उनको ऐड करो और नए वर्ड्स बनाओ। लेटर कौन से हैं, एस ए एच जी एच बी एस। एग्जाम्पल शॉप, शॉप यानी दुकान, ये लेटर कहे जाते हैं, ठीक है। देखो एस ए एच जी एच बी एस ये लेटर होते हैं, लेटर मिलके वर्ड बनते हैं, ठीक है, लेटर मिलके वर्ड्स बनते हैं, यहाँ वर्ड बनाए हैं। देखो एस शॉप, शी शॉप यानी दुकान, शी यानी लड़की कोई भी उसको बोलते हैं, गोल्ड सोना, हील तो हमारे पैरों की हील, हेयर बाल, ब्लैक काला, अवे यानी दूर। सी मेंशन टू थिंग्स दैट यू हैव एंड यू लाइक, आप ऐसी दो चीज़ें बताओ या सोचो कि जो आपके पास हैं और आपको भी पसंद भी हैं, ठीक है। मेंशन टू थिंग्स दैट योर फ्रेंड हैज़ एंड शी लाइक्स, और दो चीज़ें ऐसी भी आप सोचो कि आपका जो दोस्त है उसके पास हैं और उसको ही पसंद है, ठीक है। लेट्स पंक्चुएट, चलो पंक्चुएट करते हैं, पंक्चुएट यानी परफेक्टली लिखते हैं कि, ठीक है। वी बिगिन नेम्स विथ कैपिटल लेटर्स, हम हैं नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यूज कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। एंड कंप्लीट दिस नेम्स, और इन नेम्स को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो पंक्चुएट यानी जो लिखते हैं उनमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए इसके बारे में है, ठीक है। तो हम जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे देखो मेरा नाम है खिलेश, तो के ऑलवेज कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे सीमा एंड राज आर फ्रेंड्स, सीमा एंड राज फ्रेंड्स हैं। नैन्सी इज जिमीज सिस्टर, नैन्सी जिमी की बहन है, तो नैन्सी में एन आया, जिमी में एन आया। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो किसी का भी नाम है उसका पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल में आता है, जैसे आदित्य, ठीक है, एक कैपिटल में आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं ये खिलेश तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि के ऑलवेज कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, मगर वो हम ऑलवेज फर्स्ट लेटर है ऑलवेज कैपिटल में आएगा, ठीक है, समझ गए। तो आपका नाम कुछ भी हो, जैसे धारा, धारा का क्या आएगा, डी एस आएगा कैपिटल, ठीक है। ऐसे किसी का भी नाम ले लो, आयुष, तो ए कैपिटल में ही आएगा, आमना तो ए कैपिटल में आएगा, महक तो एम कैपिटल में आएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेट्स राइट ए डिस्क्राइब एन एलिफेंट, एलिफेंट को डिस्क्राइब करो, तो डिस्क्राइब यानी किसी के बारे में पूरा बताना, उसका वर्णन करना, वो कैसा है कैसा दिखता है वगैरह वगैरह, ठीक है। यहां देखो एन एलिफेंट इज बिग, ये एलिफेंट है, एक बड़ा है, इट हैज अ ट्रंक, उसकी एक ट्रंक होती है, सूंड होती है, एंड टू वाइट टस्क्स, उसके दो दांत होते हैं, बड़े दंतशूल होते हैं, ठीक है, दंतशूल, बड़े वाइट दंतशूल होते हैं। इट हैज़ फोर फैट लेग्स, उसके चार मोटे पैर होते हैं, पतले नहीं होते, फैट यानी मोटे पैर होते हैं, एंड अ स्मॉल टेल, उसकी छोटी सी एक पूंछ होती है।
इट हैज़ टू बिग ईयर्स, उसके दो बड़े ईयर्स होते हैं, दो बड़े कान होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, अब किसी का भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। नाउ देखो, डिस्क्राइब योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताओ, आपका वर्णन करो। चूज वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, आप जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं उनको चूज करो। यू कैन ऑल्सो यूज अदर वर्ड्स, आप अदर वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, आई एम टॉल, आप तो बच्चे हो इसलिए आप बोल सकते हो आई एम शॉर्ट। आई हैव कर्ली, स्ट्रेट कर्ली हेयर, देखो टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ, मगर छोटे बच्चे बोल सकते हैं आई एम शॉर्ट, मैं छोटा हूँ, ठिंगना हूँ, ठीक है। आई हैव कर्ली हेयर, कर्ली यानी जो राउंड होते हैं एंड थोड़े और स्ट्रेट यानी सीधे बाल होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, किसके बाल ऐसे सर्कल हो जाते हैं वो कर्ली हो जाते हैं, ठीक है। एंड आई हैव ब्लैक आइस, मेरी ब्लैक आइस हैं, मेरी आंखें काली हैं। आई हैव बिग हैंड्स, आप बच्चे स्मॉल बोल सकते हो, ठीक है, कि आपके हाथ स्मॉल हैं। एंड लॉन्ग फिंगर्स, शॉर्ट फिंगर्स बोल सकते हो आप, लॉन्ग यानी लंबे, मगर आप बच्चे हो इसलिए शॉर्ट फिंगर्स होती हैं। आई हैव अ ब्लैक बैग, मेरी एक ब्लैक बैग है, मेरी एक काली बैग है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, गुड बाय। ये कैपिटल ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि आप जब भी लिखो, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं, बड़े भी मिस्टेक करते हैं कि आपका नाम है या किसी का भी दुनिया में नाम है, वो स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। गुड बाय।